कल हमने गीता के 14वें श्लोक पर अध्ययन किया था। आज पूरी गुरु पूर्णिमा के कारण देरी हो गई, मैं भी थक गया था। अब आपके मध्य में वापिस पुनरपि उस परमात्मा के चरित्र नहीं है, मनुष्य के जीवन को परम पवित्र और धर्ममय जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके लिए गीता का हम स्वाध्याय रोज 5 श्लोक कर रहे हैं। उसमें एक लिखा है कि कल मैंने भी यही कहा था कि गीता ये जीवनदायिनी मंत्र है। अगर आप संसार में हैं तो समस्याओं से जूझते रहोगे, कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएगी, उस समस्या से निजात विचारम महा औषधि। विचार हमारे जीवन में सबसे बड़ी औषधि है। अब ग्लास टूट गया तो ग्लास को लेकर रोने की जरूरत नहीं है, अब वो साफ सफाई कैसे किया जाए और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो, ये गीता सिखाती है। समस्याएं अपने आप उत्पन्न होती है लेकिन समाधान ये मनुष्य निकाल सकता है, इसका संकेत भगवान ने गीता में दिया हुआ है। आइए पहले अध्याय के हम लोग 14 श्लोक तक तो कल तक हुआ। अब उसमें लिखा है कि जब ढोल नगाड़े बड़े नाचते गाते कौरव अपने साथ में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यही कहते हुए कि पांडव तो हमारे सामने चूहे हैं, पांडव हमारे सामने बहुत छोटे हैं, तो वो कहते कि पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम तो धनंजय। पांच जन्य मतलब ये वो शंख होता है जिस शंख में 5 लीटर पानी बैठता है, जिस शंख में 5 लीटर पानी डाला जाता है उस शंख में, उसको पांच जन्य बोलते हैं। बहुत कठिन होता है मिलना, इतना बड़ा शंख भगवान कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था। इस शंख के पीछे भी बड़ी कहानी है। शंकासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद परमात्मा ने अपना स्वयं उसको शंख बजाने के लिए प्रथम ध्वनि निष्काम निष्पाप होने के कारण उसका वध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक शंख ध्वनि नहीं होगी तब तक पवित्र नहीं माना जाएगा, ये शंख वहां से जन्म हुआ है। इसलिए सभी शंख ध्वनि बड़े पवित्र मानते हैं और जहां तक शंख ध्वनि जाती है वहां तक भूत प्रेत होते नहीं है, शास्त्रों ने लिखा है। इसके पांच जन्य नामक जो शंख था इनके अलग अलग ध्वनि आती थी, पांच जैसे हॉर्न की ध्वनि आती है इसी तरह से शंख की अलग अलग ध्वनि आती थी, विजय ध्वनि पराजय ध्वनि ईश्वर के शंख की, शस्त्र विद्या की, युद्ध में किस तरह से सफल हो उस विद्या की, कब किस समय शंख कैसा बजाया जाए उसकी अलग अलग ध्वनि से उसका परिचय दिया जाता था कि आज ये शंख बज रहा है तो क्यों बज रहा है। तो इसी का अर्थ ये आता है कि पांच जन्य ऋषिकेश हो, भगवान ऋषिकेश पांच जन्य नामक शंख उनके पास में था। देवदत्तम च धनंजय, देवदत्त नामक जो शंख था वो अर्जुन के पास। आज अर्जुन के नाम भी धनंजय है, अर्जुन है, भारत है, कुंती पुत्र है, गुड़ाकेश है, इसके पीछे भी अर्थ है। अब क्या क्या बताए, गुड़ाकेश क्यों कहा जाता है, गुड़ा मतलब निद्रा, जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की, निद्रा के ऊपर अगर उसको जो कहा कि 5-5, 15-15 दिन तक नहीं सोना तो नहीं सोना, इसको विजय प्राप्त करते हैं, उसके लिए उसका एक नाम गुड़ाकेश भी है। और गुड़ाकेश का अर्थ मतलब ये होता है जिसके केश में से भी अपने आराध्य का चिंतन ध्वनि निकलना, इसलिए इसका नाम भी गुड़ाकेश भी है, गुड़ा और केश। निद्रा में भी परमात्मा का चिंतन करना, जिसके केश भी
कृष्ण का चिंतन करते, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेज भी है। तो उन्होंने कहते हैं कि इसलिए उनका एक नाम 21 नाम दिए हुए है अर्जुन को भगवान ने, अलग अलग नामों का संबोधन फाल्गुना अलग अलग नामों का संबोधन करते हुए अर्जुन से कहा कि ये अर्जुन वो अर्जुन वो अर्जुन। तो ये देवदत्त धनंजय है, कौंड्रम दद्मो महाशंक भीम कर्म रुकोधरा, कौंड्रक दद्यो और महाशंक भीम कर्म रुकोधर नामक शंक, अनेक अनेक योद्धाओं का अनेक अनेक शंक रहता था। भीष्माचार्य जी के पास अलग नाम था, कौंड्रक के पास अलग नाम था, जा भीम के पास अलग नाम था, युधिष्ठिर के पास अलग था। तो जो जो योद्धा थे उनके पास अलग अलग नामों के शंख, क्योंकि उनकी उनकी पहचान थी। उस जैसे वो उनका शंख बजता था तो समझ जाते थे कि वो व्यक्ति आया है। जैसे कोई पगड़ी पहनना, किसी का जो आप अपनी कौन कैसे आए उसका परिचय क्या, तो उसकी शंख ध्वनि दूर से पता लगता था। वो शंख ध्वनि बजाते हुए आता था कि वो योद्धा आ रहा है, इसलिए शंख ध्वनि भी उसकी रहती थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र, कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, उन्हें अनंत विजय, ये युधिष्ठिर का उनके पास अनंत विजय नामक था। इसके पीछे भी बड़ा अलग कथा, अनंत विजय की वह अब समय आएगा तो बताऊंगा। नकुल सहदेवच सुधोष व मणिपुष्प की, नकुल सहदेव का अलग अलग नाम का शंक था। काश्यप परमेवाशा शिखंडी च महारथा दुष्ट दुम्नी विराटच सात्यकी चा पराजिता, काशीराज महारथी शिखंडी दुष्ट दुम्न तथा राजा विराट अजय सात्यकी, उनका अलग अलग उनका द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदायच सर्वशा पृथ्वी पते सौभद्रच महाबाहु शंका दम्नु पृथक पृथक। ये मैंने कहा था ना कि आप अपने इजा द्रौपदी काशीराज है दुष्टदुम्न है उनके सभी द्रौपदी के पांच ही पुत्र है और सुभद्रा अभिमन्यु है, सभी अलग अलग जहां जहां जिनके पास जो शब्द जो शंख मिले उस ध्वनि के साथ जोर से एक साथ पांडवों ने भी अपना शंख ध्वनि के साथ उनका बजाना चालू कर दिया। वो कहते न घोषो धातराष्ट्रानाम हृदयानी विदारता नमच्च पृथ्वी चैव तृमुलो व्यूनादनाद। कभी कभी एक साइकोलॉजिकली लोग मनुष्य को परास्त करा पराजय भयभीत करने के लिए भी एक कई ऐसा चलता था, आपकी शक्ति क्या है। जैसा कोई हृदय विदीर्ण कर देने वाली ध्वनि, भयभीत कर देने वाली ध्वनि, ऐसी ध्वनि के साथ एक पहले शस्त्र से नहीं कभी कभी साउंड से भी व्यक्ति को भयभीत किया जाता था। जैसे आप आजकल डीजे वीजे सुनते हो, डीजे सुनने के बाद कभी कभी उसके जो धड़ आवाज आपके हृदय के ऊपर भी उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। तो कोई बहुत जोर से बहुत ब्लास्ट हो गया उसकी जो ध्वनि आने के बाद जिस तरह से आपको भय लगता है, इसी तरह से इनके द्वारा भी अनेकों एक साथ दुमदुया बजाते हुए शंख ध्वनियों के साथ में कौरव पांडवों ने बड़े जोर से अपने ध्वनि के साथ आवाज का निर्माण किया और कौरव पांडव या पांडव कौरव में एक भय सा वातावरण निर्माण हो गया। सो घोषो धातराष्ट्रानाम हृदयानी विदारस्य, हृदय विदीर्ण कर देने वाली ऐसी ध्वनि नवच्च पृथ्वी चैव तुमुलो यून नादया, जहां पृथ्वी को थरथर कपा दे, जैसा कोई दरवाजा कपकपाने लगता है, किसी ज्यादा ध्वनि हो जाती है, आपके घर के बर्तन किसी बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, इसी तरह से वो इतनी ध्वनि थी कि धरती को भी कांपने के लिए मजबूर कर दिया था। आदि कहते अतः व्यवस्थिता दुष्टा धात्राष्टान पिक ध्वजा प्रवृत्तो शस्त्र सांपाते धनुराभना पांडवा ऋषिकेशम चता तदा वाक्य मिद महामहीपते सेन योर भयोर मध्य रतम स्थापयति मुच्यता। अब इतने नाना प्रकार के सब सारे आपस में एक तरफ कौरवों के बड़े बड़े योद्धाए खड़े हैं और दूसरी तरफ पांडवों के दोनों तरफ योद्धा खड़े हैं,
उसके बीच में एक कौरव के तरफ जो खड़े थे उनको भी अर्जुन देख रहा है। इधर भीष्माचार्य जी खड़े, तो द्रोणाचार्य जी खड़े, कर्ण खड़े, विकर्ण खड़े हैं, एक एक करके उनके हृदय के साथ में। फिर उसके साथ में अर्जुन कहता है कि ऋषिकेश तथा वाक्य मिद माद नहीं पते, वहां का जो राजा अपने राजा भगवान को भी आज्ञा देने का काम करते थे, क्योंकि सारथी थे भगवान, ऊपर हनुमान जी महाराज, नीचे भगवान कृष्ण। वो भी कथा की हनुमान जी और अर्जुन की दोनों की कथा आती है। दोनों ने कहा था कि, और हनुमान जी ने बड़े शब्दों के साथ कहते, क्या युद्ध करो, युद्ध तो हमने किया। दोनों में शस्त्रों के शक्ति का बल प्रदर्शन करने का तैयारी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि, अर्जुन ने कहा कि आपने कौन सा बल है ऐसा। बोले बल दिखाता हूं मेरा, जो हारेगा शर्त लगाई, जो हारेगा तो क्या करेगा, बोले उसका दास बनकर रहेगा। अर्जुन ने अपने बाणों से समुद्र में कई दूर से ऐसा पूरा बिछावत कर दी। हनुमान जी महाराज ऊपर से आते थे, कूद जाते थे, उसमें वो रक्त टूटा, वो जितना भी बनाया हुआ बाणों का टूट जाता था। एक बार दो बार भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ा गलत होगा, अगर हनुमान जी का दास अगर अर्जुन हो गया तो क्या कैसा चलेगा। तो दोनों के सामने खड़े होकर कहा कि भाई तुमने शर्त क्या, तो दोनों ने कहा क्या, तो अर्जुन ने अपना दासत्व स्वीकार किया। भगवान कहते कि भाई ऐसा नहीं चलता, कोई ना कोई साक्षीदार होना चाहिए। साक्षीदार कैसे होना चाहिए, तो बोले तुम दोनों ने बातें कर ली, तीसरा तो कोई साक्षीदार, हरा कौन जीता कौन सत्य कौन, ये तो पता हो। बोले हाँ ये बात भी सही कह रहे। बोले वापिस पुनरपि आप छत्रप की तरफ पूरे समुद्र के ऊपर बांध मारे, पूरा जैसा आप बिछावत करते हो पूरे समुद्र के ऊपर उन्होंने बिछावत कर दी। और भगवान जैसे हनुमान जी ऊपर से कूदने के लिए आए, तुरंत वो जो बिछावत टूटी नहीं बाणों की। एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो आपको पता नहीं होगा नारायण ने बड़ा षड्यंत्र करते हुए अर्जुन के बाण के नीचे अपना सुदर्शन लगा दिया था, क्योंकि टूटे नहीं। तब जाकर हनुमान जी महाराज ने अपनी हार स्वीकार की, और हार स्वीकार करने के बाद अर्जुन का दासत्व स्वीकार किया। और अर्जुन का दासत्व स्वीकार करने के बाद अर्जुन से पूछा, अब मैं क्या करूं, मुझे युद्ध करना है क्या, क्या करना है। तो भगवान कृष्ण कहते, आपने राम के साथ बहुत युद्ध किया, आपको इस जन्म में युद्ध करने की, इस समय युद्ध करने की जरूरत नहीं, फिर एक काम करो, अर्जुन के रथ के ऊपर खड़े हो जाओ। तब जाकर हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए, ये उसका वर्णन आता है। तो उन सभी बड़े बड़े बैल बताने का अर्थ अब एक एक जैसा जैसा स्मरण आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान ऋषिकेश, उनका नाम एक ऋषिकेश है, भगवान का अनेकों नाम है, ऐसे हजारों नाम है, उनका नाम क्यों पड़ा ऐसा, उसका भी बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। अब क्या क्या बताए उसमें घंटों चर्चाएं हो सकती है, अब उधर नहीं जाऊंगा मैं। तो कहते हैं कि अपने सेनापति अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, क्या अधिकार अर्जुन का, कि अर्जुन आदेश दे रहा है, सेनापति उसका पालन कर रहे हैं। हाँ जी, पहले अर्जुन का हाथ पकड़ना और घोड़ों को सफाई करना, रथ का सफाई करना, अर्जुन का हाथ ले जाकर रथ पे चढ़ाना, अर्जुन रथ, जो एक सारथी का दायित्व तो बनता है वो दायित्व तो पूर्ण तरीके से कृष्ण, जैसे उतरते ही हाथ देकर पुनरपि उतरना, मालिक होता जो सारथी होता, ऐसा नहीं कि वो भगवान बनकर कर्म संन्यास कर्म योग, जो दायित्व दिया उस दायित्व को पूर्ण रूप में, एक सेवकत्व जिसको कहते हैं, अर्जुन का सेवकत्व भी कृष्ण ने स्वीकार किया था। क्यों? प्रेम के अधीनस्थ होकर, क्योंकि अर्जुन के प्रति इतना अनन्य प्रेम उसका होने के कारण। तब जाकर उन्होंने कहा कि महाराज अब अपने सारथी को आदेश देते हैं, सारथी वह ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश तदा वाक्य मिद माद नहीं पते, से नयूर भयोर मध्य रथम स्थापेते मुच्यते अच्युत, यह अच्युत आप मेरा रथ सभी दोनों योद्धाओं के बीच में लेकर चलो। और भगवान ने घोड़े पे लगाम लिया और हाँकना चालू कर दिया, दोनों रथ के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने रथ खड़ा कर दिया। और कहते हैं कि या दे या
देतान निक्षरोहम योद्ध कामावस्थितान कौर मया कौर मया सह योद्ध व्यवस्मितान रण समूह मुद्यते। उन्होंने कहा कि देख ये पूरा रण इतना बड़ा बड़का खड़ा हुआ है, इसको सुन ले, समझ ले, देख ले, चर्चा कर उन सभी को। तो अर्जुन ने जैसा ही सब कुछ देखना चालू कर दिया, ये बात संजय जी महाराज उनको बताना चालू कर दी। तो अपन कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।